सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जेवर के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न निजी स्थानों पर, सरकारी स्थानों पर, सभी जगह अपने अपने तरीके से सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भाजपा के कार्यालय का भी आज पूरे नियम के साथ में उद्घाटन किया गया है। परशुराम धर्मशाला जेवर में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया गया है। जेवर विधायक यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या रणनीति चल रही है पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर और आज के गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जेवर में परशुराम धर्मशाला पर बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया तथा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एवं विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने पूरे जेवर में घूम घूम कर लोगों से जनसंपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया गया है, चुनाव कार्यालय, और विधायक जी हमारे साथ हैं, पूरे आज जेवर भ्रमण करेंगे, विधायक जी से जानेंगे पूरा कार्यक्रम। विधायक जी, क्या कार्यक्रम रहेगा आज? आज नगर भ्रमण है, लोगों से वोट की अपील करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। चंचल जी, विधायक जी, कुछ लोग अभी भी नाराज दिख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, नाराज लोगों को हम मना लेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में इतना विकास हुआ है जिसके नाते धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आ रही है और वो ये भी समझ रहे हैं कि जो बाहरी तत्व हैं वो इस क्षेत्र में विकास के लिए नहीं वरन विकास रोकने के लिए आ रहे हैं। यह बात धीरे धीरे जा रही है लोगों में। देखिए, यहाँ बीजेपी के सामने टिक पाना कोई आसान काम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में हम विकास कार्य किए हैं उसके सामने कोई रुक नहीं पाएगा। विधायक जी, आज पूरे दिन क्षेत्र में रहेंगे, विभिन्न स्थानों पर जाएंगे, कस्बे में रहेंगे, कई और भी जगह जाना है, अलग अलग स्थानों पर बात करेंगे और जानेंगे कहाँ कुछ क्या कार्यक्रम होता है। इस अवसर पर परशुराम धर्मशाला में विधि विधान के साथ पूजा पाठ एवं हवन किया गया तथा बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में आगामी चुनाव को लेकर मंत्रणा की गई। ऐसे तो देखो, चुनाव का दौर है, राजनीतिक कार्यक्रम है, पर आज हमारे संविधान की वर्षगांठ है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने परशुराम धर्मशाला पर यह कार्यक्रम रखा है और सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता और सामाजिक प्रतिष्ठित आदमी सभी यहाँ बुलाए गए हैं, आए हैं, तो उस हिसाब से हमने 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। तो ये कार्यक्रम में आप सभी से हमारा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आज माननीय विधायक जी के चुनाव कार्यालय का ये उद्घाटन हुआ है और इसके बाद माननीय विधायक जी का नगर भ्रमण है, तकरीबन 25 पॉइंट हैं जहाँ माननीय विधायक जी का जनसंपर्क अभियान चलेगा, तो उसमें माननीय विधायक जी निकल रहे हैं और आगे के कार्यक्रम सुनिश्चित हैं। सुनीता जी हमारे साथ हैं, सुनीता जी क्या कहेंगी, आज पूरे माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आम नागरिक के तौर पे ही बात करूंगी और आम नागरिक हूं भी, मैं यही कहना चाहती हूं। पहले बात तो मैं अपने जेवर विधायक जी के बारे में बात करना चाहती हूं कि बहुत ही शालीन और जनता से जनप्रिय नेता है, जनता से जुड़े हुए हैं और वो मतलब जनता के हृदय पे राज करते हैं और वाकई उन्होंने क्षेत्र में जितना काम किया है पिछले सरकारों ने, तो मुझे नहीं लगता है जितना आज पूरे प्रदेश पटल पे आप देखिए कि जेवर का नाम हो रहा है, हमारी आदित्य योगी नाथ जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, महिला भयमुक्त हो गई है, आज गुंडा राज खत्म हो चुका है, सुशासन पे, और भाजपा में जातवाद पे राजनीति नहीं की है, भाजपा में सबका साथ और सबके विकास के ऊपर राजनीति की है। और जितना काम हो रहा है ये सब देख रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि फिर से प्रचंड बहुमत में हमारी मतलब योगी जी की सरकार आनी चाहिए। सुनीता जी, कैसे देखती हैं आप जो प्रतिद्वंदी हैं, मड़ाना जी आए हैं, नरेंद्र जी हैं, कैसे देखती हैं समीकरण, कितना कितना लेके चल रहे हैं आप? देखिए, ये सब दल बदलू नेता है, मौका परस्त है, मलाई खाने के लिए आते हैं, बाहर से आए और बाहर ही लौटवा, ये देश हमारे प्रदेश की और जेवर की जनता इनको जैसे ये आए है ना, वही जहाँ से आए वही इनको भेज देगी। पैराशूट नेता जी 10 तारीख के बाद ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे।
परशुराम धर्मशाला से अपनी जनसंपर्क यात्रा शुरू करते हुए ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जेवर के मेन चौराहे से मेन बाजार होते हुए जेवर के विभिन्न प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों पर लोगों के साथ जनसंपर्क किया तथा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। जेवर के अनेक मशहूर चौराहों पर लोगों के द्वारा जगह जगह पर ठाकुर धीरेंद्र सिंह का स्वागत भी किया गया। राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हमारे लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह के स्वागत के लिए खड़े हैं। अच्छा जी, विधायक जी यहाँ से गुजरेंगे, हम उनको फूल मालाएं बनाएंगे और उनको तालियां स्वागत करेंगे। उनका कस्बे में पता लगा, हमको कस्बे में उनका प्रोग्राम लगे हुए हैं, प्रोग्राम लगने का हमें पता लगा तो हमने उनके स्वागत करने का मन बनाया और इसलिए स्वागत के लिए खड़े हैं। ठाकुर धीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, धीरेंद्र सिंह तथा इस यात्रा का समापन मोहल्ला टंकीवाला स्थित मदरसे में एक कार्यक्रम के साथ हुआ, जहां ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों के सामने उद्बोधन प्रस्तुत किया। नीतीश ठाकुर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।